दोस्तों, अगर आज के दिनों में मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या चाहिए, तो आपका सीधा जवाब होगा कोरोना का मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, चाइना के वुहान से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस आज के दिनों में दुनिया का सबसे परेशानी वाले चीजों में से एक बन चुका है, क्योंकि ये वायरस दुनिया भर के लोगों को घर में बंद करके रखा है। इसके अलावा दुनिया के 7 मिलियन से ज्यादा लोग अभी तक इस वायरस से अफेक्टेड हो चुके हैं। इसके अलावा 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान इस वायरस ने अभी तक ले ली है और आगे भी ये संख्या बढ़ने वाली है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत अभी पीक की ओर जा रहा है, क्योंकि अभी हर रोज लगभग 10,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और भारत जैसे कंट्री में यह संख्या आगे और भी बढ़ने वाली है। और ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी जो सामने आएगी वो है बेड मिलना, क्योंकि कोरोना पेशेंट ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है और इस वजह से हॉस्पिटल के बेड फुल होते जा रहे हैं। और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है इसका वैक्सीन। और इसी कड़ी में अमेरिका को एक कामयाबी मिली है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस वायरस का डोज सिर्फ 5 दिन देने से ही मरीज ठीक हो जा रहा है। आइए पहले जान लेते हैं उस वैक्सीन का नाम क्या है और उसको किस कंपनी ने कब बनाया है। दोस्तों, इस दवा का नाम है रेमडेसिविर और इसको बनाया गया है गिलियड साइंस नाम के एक मशहूर अमेरिकी कंपनी द्वारा। असल में इस मेडिसिन का आविष्कार आज नहीं हुआ था, ये हुआ था साल 2009 में और इसको हेपेटाइटिस सी के लिए बनाया गया था, लेकिन ये दवा हेपेटाइटिस सी के लिए कामयाब नहीं हुई थी, इसलिए उस वक्त इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। पर उसके बाद भी कंपनी नहीं रुकी, उन्होंने अलग अलग वायरस के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया। पहले उन्होंने इबोला वायरस के ऊपर अप्लाई किया, पर उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ। फिर वो कंपनी ने इसे मैरबर्ग वायरस के ऊपर इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी बदनसीबी इतनी थी कि वहाँ पर भी ये मेडिसिन काम नहीं कर पाया और उसके बाद से और भी वायरसों के ऊपर इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये मेडिसिन हर परीक्षा में फेल होता जा रहा था। कोरोना के ऊपर इसकी बात आए उससे पहले हम जान लेते हैं कि असल में ये दवा कैसे काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस दवा की बात करें तो ये एक एंटीवायरल है और इसे आर्टरी के द्वारा सीधा इंजेक्ट किया जाता है। और इस तरह कोरोना वायरस एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल आरएनए से बना हुआ होता है, लेकिन ये आरएनए क्या होता है? आरएनए असल में डीएनए की तरह ही एक जीन की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, हम वही डीएनए की बात कर रहे हैं जिसको क्राइम सीन में बड़े ही दिलचस्प चीजों की तरह दिखाया जाता है। बाकी ये है भी बहुत दिलचस्प चीज। और हमारे शरीर में डीएनए और आरएनए को मिलाकर ही हमारे शरीर का जीन तैयार होता है। और अगर हम इस मेडिसिन की बात करें तो ये सीधा जाकर आरएनए पे हमला करता है, मतलब आप समझ रहे हो ना, कोरोना के जड़ पे वॉर। अभी आप कहेंगे ये तो बेहद ही अच्छी खबर है, लेकिन इस बात को अभी तक छुपाया क्यों गया? तो हम आपको बता दें कि अभी तक इस मेडिसिन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा था और अभी कंपनी ने ये बताया कि ये पूरी तरीके से तो नहीं, पर कई हद तक ये इंसान को ठीक करने में कामयाब हो रहा है। असल में कंपनी का ये दावा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अगर 5 दिनों तक ये दवा दिया जाए तो इंसानों को वो तकलीफ नहीं होगी जो अभी तक हो रही थी और वो धीरे धीरे स्वस्थ भी हो जाएंगे। और इसी बात को देखते हुए अमेरिका में इस मेडिसिन को देने का परमिशन 2 मई से शुरू हो गया है और अभी वहाँ के मरीजों को ये मेडिसिन दी जा रही है। और इसके अलावा अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ भी परमिशन दे दी गई है। इसके अलावा साउथ कोरिया में भी इमरजेंसी पेशेंट्स को ये दवा देने की परमिशन दे दी गई है और यूरोप में अभी इसके इस्तेमाल के लिए बातचीत चल रही है। और इस तरह भारत में भी इसका परमिशन दे दिया गया है, लेकिन भारत में इसका परमिशन कैसे मिला इसके तरफ बातें करते हुए भारत के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि इसकी परमिशन कंपनी द्वारा बताई गई सबूतों के आधार पर ली गई है। इसके अलावा उन्होंने DCGI का हवाला दिया है और उन्होंने ये भी बताया है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट पेशेंट्स को ही ये दवा दी जाएगी और वहीं डॉक्टरों के हिसाब से जिनको जरूरत पड़ेगी सिर्फ उन्हीं को ये दवा दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक कंपनी द्वारा रेमडेसिविर के ऊपर जैसा दावा किया जा रहा है, अगर वो सच निकले तो ये एक बेहद ही खुशी की खबर है, सिर्फ हम हिंदुस्तानियों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के सारे लोगों के लिए ये एक खुशी का खबर है। तो दोस्तों, अगर आप भी पहली बार इस मेडिसिन के बारे में सुन रहे हैं तो जल्दी से अपने परिजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और भगवान से प्रार्थना करिए कि ये वैसा ही काम करे जैसा कि कंपनी का दावा है। बाकी ये खुशखबरी देने के लिए ही हमने इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों, आप सबको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया तो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।